नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुशीनगर के थाना त्रुकपट्टी क्षेत्र में कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने लाश को रोका और कर रहे बड़े अधिकारी का इंतजार। कच्ची शराब पर हमेशा के लिए रोक लगाने एवं कारोबारियों को कड़ी सजा दिलाने की कर रहे हैं मांग। पहले भी इस गांव में कच्ची शराब पीने से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। त्रुकपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा छाऊ में घटित हुई घटना। SDM व CO के लगभग 1 घंटे तक मान मनोबल के बाद माने परिजन पुरुष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के हेतु आखिर ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। पुलिस अध्यक्ष राजीव नारायण मिश्र ने सख्ती के बाद भी थाना अध्यक्ष नहीं कर रहा है शराब माफिया पर कार्रवाई। आखिर कब तक होगी इन गरीबों की जान से खिलवाड़। हाय रे योगी सरकार। आज प्रातः थाना तुरपट्टी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उसकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई है। उनके परिवारजन द्वारा ये कहा गया कि उनके गांव के ही एक सज्जन और उनकी पत्नी द्वारा इसको बुलाया गया और इनको मदिरा सेवन कराया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में मृतक का शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आम शोहरत इस प्रकार की है कि वो दिन प्रतिदिन मदिरा का सेवन करते हैं। अधिक संभावना इस बात की है कि वो उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई हो, क्योंकि इस प्रकार वहाँ पर जहरीली शराब का अन्य कोई भी मामला रिपोर्टेड नहीं है, ना कोई व्यक्ति बीमार है अथवा किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। ये निश्चित तौर पर इसमें सारी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट।